एवरीवन, मैं शुभम कुमार, मैं सिद्धू। तो आज रुसलान का टीजर आया है। अब 10 महीने पहले भी टीजर आया था, 2 महीने पहले प्री टीजर आया था, और आज वापस से टीजर आया गया। मुझे लगता है अगर आप लोग नहीं देखोगे तो रिलीज तक ये सिर्फ टीजर ही अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि ये हाइप ही नहीं है। आयुष शर्मा का साला, मतलब सलमान भाई का थोड़ा सा ग्लिम्स होता तो शायद इसका हाइप मच जाता था, लेकिन भाई भी बोल रहे भाई मेरा ही नहीं चल रहा है, अगर तुम्हारा कहां से लेके चलूं। तो टीजर देख लेते हैं वरना निराश हो जाएंगे लोग। वजूद अपना क्यों ढूंढे तू, जब होना ही तेरा साथी है। दिखा अपनी काबिलियत, अगर दुनिया तुझे आजमाती है मत डर अपने अतीत से, देख तेरी मंजिल क्या है। हारने को कुछ नहीं, जीतने को पूरी दुनिया है। हारने के लिए कुछ नहीं, जीत तो तभी किया था जब अर्पिता से शादी किया था। मतलब कि भाई अपना इससे पहले अंतिम में भी ऐसे ही काम था इनका, मतलब उसमें थोड़ा हैवी बॉडी था, इसमें भी सेम बॉडी है। और सलमान भाई थे इसलिए चल गया, मतलब कि हाँ हम देखने चले गए थे। अब ये टीजर की बात करूँ तो इसके बजट की बात करूँ तो मैं, तेरे बाप का पैसा लगा इसमें नहीं? हाँ, तो फिर क्यों बात करने का, जितना है बड़ा इसका बजट होगा वो आपस में बांट लेना चाहिए था इन लोगों ने। हाँ, मतलब इतना मेहनत करने की जरूरत थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बॉक्स ऑफिस पे उतना चलेगा, क्योंकि यार हाइप नहीं है। मतलब टीजर देख के ऐसा लगता है कि भाई लुक्स वेरी सेक्सी, मतलब अच्छा चल रहा है। और इसके प्रोड्यूसर बोलते हैं कि मैंने इस पे इसलिए पैसे लगाए क्योंकि हर एक फ्रेम एक अलग कहानी बताएगा, इसके लिए मुझे लगता है कि डायरेक्टर के पास कुछ तो आर्ट है जो इस फिल्म के माध्यम से लोगों को दिखेगा, इसलिए मैंने पैसे लगाए। वाह, क्या सोच, मुझे तो लग रहा है इन लोगों ने ट्रेलर ही नहीं बनाया रहेगा। हाँ, क्योंकि टीजर ही डालते रहे एंड तक, तो अभी देखेंगे भाई जब ट्रेलर आएगा तब मैं तब मैं बता पाऊंगा कि ये एक्चुअल में करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। एक हाथ में गिटार है और उसी हाथ में गन है, मतलब पहले प्यार में थे जोशीले, फिर उसके बाद कट गया, फिर बंदूक से मार रहे, तो ऐसा दिखता है। और मुझे लगता है कि जितना भी बजट था उसका सामान खरीद के लाया और आयुष्मान ने तोड़ दिया, फिल्म बन गया। मतलब एक्शन बहुत है ना, एक्शन बहुत है ना, एक्शन थ्रिलर फिल्म में। और इंसान जब किसी को मार रहा है तो आप उसको स्लोमो मत करो यार, एक तो बेचारे को लग भी रहे उस, और ऊपर से धीरे करके उसकी घड़ी भी जला दे रहे, तो अच्छा नहीं लगा मुझे ये चीज। ओवरऑल टीजर की बात कर तो इट्स लुक वेरी प्रॉमिसिंग, एक्शन थ्रिलर एंटरटेनमेंट फिल्म होने वाला है। हर एक फ्रेम अपने को कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, पर हम जानना ही नहीं चाहते। मतलब बताएंगे फिल्म के अंदर, बताएंगे जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाए ट्रेलर इनका, तो देखेंगे यार जब आएगा। क्योंकि आयुष शर्मा अब काफी डेडिकेटेड हो गए हैं, शादी के बाद उनको पता चल गया कि अब करियर पर ध्यान देना चाहिए, तो वो सीरियस है अपने करियर को लेके। तो बता देंगे यार जब आएगा, वैसे ही व्यूज का लफड़ा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।